आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना की रफ्तार में धीरे धीरे तेजी आती जा रही है, इसके बावजूद भी लोग कितनी लापरवाही से बाजारों में घूम रहे हैं। क्या दुकानदार बिना मास्क लगाए बाजार में बैठे हैं, इसका जायजा हमने लिया। करवा चौथ का त्यौहार तो निकल गया, अब त्यौहार की बारी है दीपावली की। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदुओं का त्यौहार दिवाली। दिवाली के अवसर पर आज देखते हैं कि मास्क कितने लोग लगा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि दूसरी लहर की बात चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं ऐसा ना हो दूसरी लहर आ जाए और परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ जाए। मैं बाज़ार में हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ किस तरह से मास्क का प्रयोग लोग कर रहे हैं। मास्क ही सबसे ज़्यादा सावधानी वाला है। आप यहाँ देखें जरा, यहाँ पर देखें एक दुकानदार है जिनके यहाँ कई लोग हैं। कहो भैया, कहाँ है मास्क, कहाँ है आपका? जरा वहाँ क्या कर रहा था मास्क? लगा हुआ था, और क्या कर रहा है? लगा है, गले में लगता है मास्क, गले में लगाया जाता है। आपको पता नहीं है कि आपके कपड़े तमाम लोग छूते हैं, यहाँ आते हैं, खरीदारी करते हैं, आप भी उसको छूते हो, फिर मुंह पे भी नाक पे भी हाथ लगाते हो, फिर भी मास्क नहीं लगाते हो। बड़े अफसोस की बात है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और महिला हमारे साथ दिख रही है। अरे आपका मास्क कहाँ है? एक्स्ट्रा लेके चला करो ना, अभी ले रहा है, दुकान पे से ले रहा है। अच्छा, दुकान से ले आएंगे तो दुकान से लाएंगे। अरे चाचा, एक मिनट रुको रुको, आपकी कितनी उम्र है? एक मिनट रुको, नीचे करो उसको। 48 साल। 48 साल मालूम है, 50 साल 48 साल वालों को बाहर निकलने के लिए मना किया गया है, निकले तो मास्क लगा के निकले। मास्क कहाँ लगा रखा आपने ये? हाँ, कहाँ था मास्क ये? अरे वो चाय पिया, इसलिए ध्यान ना रहा, ध्यान नहीं था। थैला लेना तो नहीं भूले आप? ध्यान रहा आपको, थैला लेके चल दिया, मास्क लगाना भूल गए, जो आपके सामने आँखों के हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये हिंदुस्तान की जनता है, इन्हें कितना भी समझा लो शायद इनके समझ में नहीं आएगी। ये भीड़ देखिए, सोशल डिस्टेंस आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये भीड़ का नज़ारा है। हालांकि यहाँ लोग मास्क लगाए हुए थोड़ा सा दिख रहे हैं, कुछ लोग मास्क लगाकर, लेकिन अगर और देखें तो आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं दो तीन लोग, यहाँ महिलाएं खड़ी, इनसे बात करते हैं, इनका मास्क कहाँ है? अरे मास्क कहाँ है आपका, मास्क बताइए मास्क। हाँ जी, मास्क कहाँ है आपका? मास्क निकाल रहे हैं अभी, पहनते हैं। कहाँ है दिखाओ, अच्छा कहाँ है दिखाओ, निकाल दिया, दिखाओ मुझे अब आप कहाँ है? लेके आ रहे हैं अभी। आपको मालूम नहीं, आप लोग भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, सामान छूते हैं, दुकानदार सामने होते हैं, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है। जी सॉरी भैया, सॉरी इस काम नहीं चलेगा, क्योंकि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दिवाली का त्यौहार है, लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। एक बुज़ुर्ग भी सामने चले आ रहे हैं जिनको सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है कि 50-60 साल वाले लोग ज़्यादा बाहर ना घूमें, बाज़ार में हैं। अरे बाबा, कहाँ चले जा रहे हो? बाजार जा रहे भैया। यार अच्छा, कभी सरकार का प्रचार प्रसार देखा है कुछ? मास्क वास्क के बारे में जानते हो कुछ? नहीं खूब जानते, जेब में रखा, जेब में दिखाओ जरा, ये तो रुमाल है। आप जैसे लोगों को तो सरकार ने रख लिया, अभी खुल गया था, रख लिया मैंने। अच्छा, समय नहीं मिला लगाने के लिए? देखो अच्छा, मैडम 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 एक मिनट, अरे भैया एक मिनट भैया, अरे एक मिनट सुनिए, कोई नहीं सुन रहा है, कैमरे के सामने बोलते नहीं। अरे ये मास्क कहाँ लगा रखा आपने? सॉरी से काम नहीं चलता है, बहरहाल आवश्यकता है मास्क लगाने की। अरे आप लोगों का मास्क कहाँ है? अभी अभी बांधा आपने। अच्छा, आपको मालूम है बाजार में जाते हो, खरीदारी करते हो, कोई सामान छूते हो, फिर वो कोई और छू के जाता है, आपको मालूम है कोरोना फैल रहा है? चलो भैया अब लगा लेंगे, अब लगा ले, लगा लिया तो दुपट्टा का मास्क। अच्छा, ये देखिए हिंदुस्तान की वो जनता है जो ये कह रही है कि मैं लगा लूँगी। वो देखिए भाई साहब बैठे हुए वहाँ पर दुकान पे, उन पे दिखाएं जरा, ये दुकानदार हैं, ये बहुत बड़े यहाँ के और सामान बेचते हैं, इनका मास्क है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है मास्क। अभी देखिए मास्क कहाँ पर है, देखते हैं मास्क कहाँ, इनके कान पर लटका हुआ दिखाई दे रहा, देखते जरा एक मिनट हटिए आप, साइड हटिए जरा, एक सेकंड हटिए जरा, आइए दुकान में देखते हैं। व्यापार मंडल ने और तमाम बाज़ार एसोसिएशन ने कहा था कि बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे भैया मास्क कहाँ है आपका? भैया मास्क पहन लेते हैं भैया। देखा आपने, दुकानदार हैं ये, नोटों की माला तो बना रहे हैं ये नोटों की माला बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन गांधी जी ने भी कहा था जिसमें दिखाई दे रहे हैं कि सफाई
बहुत ज़रूरी है और सुरक्षा सावधानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन गांधी जी को तो संभाल रहे हैं पिन में लोगों को बेचने के लिए माला बना करके, लेकिन 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 जो है आप ये देख सकते हैं मास्क, अच्छा मास्क लटका क्यों रखा था आपने? एक्चुअली अभी पानी पिया था तो इसीलिए, अभी पानी गिलास भी मेरा सामने है, पानी पी के रखा था इसलिए दोबारा लगा नहीं पाया, ये गलती है, अभी भी पानी पी के रखा है। आपको मालूम है हज़ारों की भीड़ है, त्यौहार का सीज़न है, लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, किसी की छींक आ रही है, किसी की खांसी आ रही है, और कोई सामान आपको छू के जा रहा है उससे दे भी रहे हो, मास्क भी नहीं है। नहीं नहीं मास्क बिल्कुल अभी एक दो मिनट ही पहले उतारा, पानी पी के गिलास रखा है। नहीं सैनिटाइजर दीजिए कहाँ है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर ये नोटों की माला है, ये गांधी जी हैं, ये गांधी जी हैं ये जी। तो आपको बताएं कि बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो संक्रमण बढ़ने से भी रोक नहीं सकते किसी को, क्योंकि कोरोना किसी को बताकर नहीं आता है। हमने आपको ये दिखाया अभी यहाँ पर। भैया आपका मास्क कहाँ है? मास्क ना देखो घर कहाँ रहेगा? दुकान पे। दुकान पे क्यों छोड़ा है? मेरा 50 तो मास्क ले ले, ध्यान रहता नहीं मास्क का, नहीं रह जाता। आपको ये पता नहीं, आप खरीदारी करने आते हैं बाजार में, सामान छूते हैं, कोई और छू के जाता है, हो सकता है संक्रमित हो वो आदमी, हमें पता नहीं चले। कुछ ना है, नई उम्र है, बड़े बूढ़े नहीं रहोगे उम्र के साथ, कुछ नहीं। अरे मतलब झेल जाएंगे हैं, अगर आएगा भी तो हटा देंगे, उसे भगा देंगे। नहीं नहीं ऐसे यार, जैसे कहाँ से आएगा? तो इनके पास तो कोरोना आएगा ही नहीं, इन्होंने प्रण कर लिया कि मेरे कोरोना से कोई भंग नहीं पड़ता है। और भी हम चल रहे हैं आगे, देखते हैं। हमारा हमारे चैनल का मकसद सिर्फ यही है लोगों को ये चीज़ दिखाना, लोग सावधान रहें क्योंकि त्योहारी सीजन है, जितना सावधानी बरतेंगे, दो गज़ की दूरी बाज़ार में बनाने की कोशिश करें, और अगर नहीं बन पा रही तो कम से कम मास्क तो ज़रूर लगा कर चलें, बिना मास्क लोगों को नहीं जाना चाहिए। अरे मैडम आपका मास्क कहाँ है? अच्छा मोबाइल हाथ में है इनके, बहुत बड़ा मोबाइल है, लेकिन मास्क नहीं है इनके, इनके मास्क नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या है। हम ये चीज़ शो करना चाह रहे हैं कि लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि त्योहारी सीज़न को देखते हुए थोड़ा सा सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होगी दिवाली के समय, और लोग असावधानी ना बरतें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि दिवाली का सीज़न है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, और इस समय चूँकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दूसरी या तीसरी लहर भी आ सकती है, दिल्ली में जैसे हालात हो रहे हैं उसको देखते हुए यूरोपीय देशों में कई जगहों पर लॉकडाउन लग गया है दोबारा से, तो यही हम लोगों की अपील है, हमारे चैनल की यही अपील है लोगों से कि लोग मास्क का प्रयोग करें, मास्क लगाने से ना बचें, बहाना ना ढूंढें, क्योंकि कोरोना बहाना से नहीं डरता है, कोरोना सिर्फ सावधानी से डरता है। अगर आप दो गज की दूरी मास्क ज़रूरी अगर समझते हैं तो आप लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए। घर से निकलें तो ज़रूर मास्क लेकर निकलें, एक नहीं दो लेकर निकलें, ऑप्शन लेकर निकलें। कैमरा पर्सन इंजीनियर साहब विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।